Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। कई लोग कहते हैं कि जब किसी चीज की अर्थ हो जाती है तो उसको रास्ते से हटा देना चाहिए, और वैसे ही चीजें अब बिहार की राजनीति में देखने को आपको मिल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, हालांकि अभी जो डेट है वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव जो है आयोग कभी भी स्टेट को पारित कर सकता है। और ऑलरेडी चुनाव जो आयोग है वो खुलासा कर चुका है कि बिहार में जो चुनाव होगा वो समय से ही होगा और कभी भी वो डेट का अनाउंस कर सकता है। लेकिन इसके पहले ही बिहार की राजनीति में उठा पटक, तोड़ गठजोड़ का राजनीति है वो लगातार चलता नजर आ रहा है, और हर कोई चाहता है कि अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों को किस तरीके से मिला जुला कर रखा जाए, ताकि आने वाले चुनाव में इस तरीके की रणनीति बनाई जाए कि सबके सहयोग से पार्टी एक अच्छा निष्कर्ष निकाले, पार्टी के पक्ष में एक अच्छा रिजल्ट आए, जिसके चलते बिहार की राजनीति में और बिहार सरकार में उनका अहम योगदान हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि पार्टी में सबको लेके तो चलना होता है, लेकिन पार्टी में अगर आप सबको लेकर चल रहे हैं और अगर कोई उसमें से ऐसा निकल गया जो कि आप ही के गतिविधियों को, आप ही के विचारों को और आप ही के कामकाजों को अगर गलत डायरेक्शन देके दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाता है, तो ये किसी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए बर्दाश्त नहीं है। हालांकि कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि उनके गलत बयान देने के बावजूद भी अपने पार्टी में उनको बरकरार रखती है, ताकि उनके जातीय समीकरण की बात होती है, उनके पॉलिटिकल कैरियर्स की बात होती है, इस प्रकार की चीजों को बांध कर रखते हैं, ताकि उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके विचार पर जो वोट्स मिलते हैं वो लगातार बरकरार रहते नजर आए। लेकिन बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि आरजेडी के प्रमुख यानी कि लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने तीन विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की राजनीति, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और बिहार के आरजेडी के एमएलए जो कि विधायक हैं उनको इस तरीके से पार्टी से हटा देना कितना बड़ा फैसला हो सकता है। और इसी को सुप्रीमो जो आरजेडी के हैं लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और अपने पार्टी के 3 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें कि एमएलए महेश्वर प्रसाद यादव हैं, यादव यानी कि महेश्वर प्रसाद यादव जो कि जामघाट के जो है गायघाट के जो है एमएलए हैं, यानी कि गायघाट के एमएलए हैं महेश्वर प्रसाद यादव। दूसरा नाम है उनका प्रेम चौधरी का जो कि पातेपुर से एमएलए हैं, और तीसरा नाम आता है फराज फातमी का जो कि केवटी से एमएलए हैं। अब इसके बाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो यादव की राजनीति और मुस्लिम यानी कि MY समीकरण के चलते बिहार में हमेशा से लगातार जो है वो जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन 3 MLOs में एक चौधरी जी, एक यादव जी और एक जो है मुस्लिम MLA को जिस तरीके से पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, तो इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। विचार ये भी आ रहे हैं कि क्या लालू यादव की राजनीति नहीं करना चाहते हैं या फिर मुस्लिमों की बचाव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन 3 MLA में यादव और जो है मुस्लिम शामिल हैं। इसको लेकर कई लोगों के अलग अलग विचार आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पार्टी के इस फैसले से बिहार में ये संदेश देता है कि अगर आप पार्टी के गतिविधियों के अनुरूप जाते हैं, उसके अपोजिट में जाते हैं, तो पार्टी जो है कड़ा निर्णय ले सकती है। और इसी को शायद मद्देनजर रखते हुए आरजेडी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने इस प्रकार का फैसला लिया है कि अगर आप पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप यादव हो या फिर किसी भी जाति के आप जो है MLA हैं। और इसी को लेकर इन 3 MLA को पार्टी के द्वारा 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो थे वो पार्टी गतिविधियों के विरोध में लोगों के बीच जाकर आदेश दे रहे थे, संदेश दे रहे थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी को इसके लिए तैयार होना पड़ा और इन लोगों को, विधायकों को
पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आपकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या आरजेडी को इन तीन नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर निष्कासित कर देना चाहिए या फिर चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए इनको समझा बुझाकर काम करना चाहिए? आपकी क्या विचार है, क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.